दोस्तों, ऊनी कपड़ों के लिए ऊन कहाँ से आती है? लोगों की आम धारणा यही है कि भेड़ प्राकृतिक रूप से ऊन का निर्माण करती हैं और सर्दियों से बचने के लिए हम उन्हीं ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्रूरता कहाँ है? हमारे देश के छोटे किसान तो भेड़ों का पालन करते हैं, लेकिन हमारे देश में 95% ऊनी कपड़ों का निर्माण विदेशी ऊन से होता है। दोस्तों, इन विदेशी ऊन बनाने वाली फैक्ट्रीज के पीछे दिल दहलाने वाला सच होता है और ये बड़ी कंपनियां बड़े मुनाफे के चलते ये कभी नहीं चाहती कि ये सच आप तक पहुंचे। दोस्तों, ऊन का उत्पादन कई सारे पशुओं से होता है, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन भेड़ों से होता है। दोस्तों, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है और वहीं 3रा सबसे बड़ा भेड़ों की जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों, हमारे भारत देश में लगभग 7.5 करोड़ भेड़ हैं, जिनसे हर साल लगभग 4.5 करोड़ किलो ऊन का उत्पादन होता है। लेकिन दोस्तों, भारत इतना बड़ा ऊन उत्पादक देश होने के बावजूद यह हर साल विदेशों से लगभग 90% ऊन का इंपोर्ट करता है। अब दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामान्य नस्लों की भेड़ एक साल में 500 ग्राम से 1 किलो तक ऊन देती हैं और इसमें ज्यादातर ऊन ऐसी होती है जिनको कपड़े बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे देश में फाइन ऊन प्रोड्यूस करने वाली भेड़ों की संख्या बहुत कम है और जो 90% मोटी ऊन प्रोड्यूस होती है उनका इस्तेमाल कारपेट और ब्लैंकेट्स बनाने में हो जाता है। लेकिन ऊनी कपड़े बनाने के लिए मुलायम ऊन की जरूरत होती है, इसलिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। दोस्तों, भारत दुनिया का 2रा सबसे बड़ा ऊन इंपोर्टर देश है। साल 2020-21 में भारत ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का ऊन इंपोर्ट किया था। सबसे ज्यादा ऊन इंपोर्ट करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे ऊपर हैं। दोस्तों, जो रॉ ऊन विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है उसे बुन करके कपड़ों का रूप दिया जाता है, जिसे भारत और दूसरे देशों में बेचा जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से भेड़ ऊन इसलिए बनाती है कि वो अपने आप को गर्म रख सके, लेकिन कमर्शियल लेवल पर जब ऊन का प्रोडक्शन होता है तो ब्रीडर्स अपने ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में इनकी ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीडिंग करने से भेड़ों की जनसंख्या ज्यादा होती है, जिससे ऊन भी इनको ज्यादा प्राप्त होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में 500,000 से भी ज्यादा भेड़ें ज्यादा ऊन प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियली इंसेमिनेट की जाती हैं। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के लिए मेल भेड़ को इलेक्ट्रिक्यूट करके उसका सीमन बाहर निकाला जाता है ताकि फीमेल भेड़ को जबरदस्ती प्रेगनेंस किया जा सके, और इस प्रक्रिया के दौरान कई बार यूट्रस तक पहुंचने के लिए एब्डोमिनल कैविटी को काटा जाता है, जिससे इन भेड़ों की जान बहुत ज्यादा जोखिम में पड़ जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब जितनी जल्दी भेड़ों को प्रेगनेंस किया जाएगा उतनी ही जल्दी एक नई भेड़ ऊन बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, जैसे कि ये कोई जीव ना हो करके ऊन देने वाली मशीन हो। दोस्तों, इन भेड़ों को ना केवल आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है बल्कि इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी जेनेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि भेड़ 1-2 बच्चों को ना जन्म देकर बल्कि 6-6 बच्चों को एक साथ जन्म देती हैं। दोस्तों, ऐसी प्रेगनेंसी में मां की जान को खतरा तो होता ही है, लेकिन जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही कई बच्चे तो ऐसे ही मर जाते हैं और जो बच्चे जिंदा बच जाते हैं उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी जाती है। दोस्तों, फ्लाई स्ट्राइक ऑस्ट्रेलिया ऊन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जब ये मक्खियां अपने अंडों को भेड़ की ऊन पर देती हैं तो ये अंडे ऊन में पड़े पड़े ही हैश होना शुरू हो जाते हैं और ये कीड़े बड़े होने पर जीते जी ही भेड़ों की फ्लैश को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन मासूम भेड़ों को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और कई बार तो ये मासूम अपनी जान को भी गंवा देती हैं। लेकिन कमर्शियल लेवल पर ब्रीडर्स ये कभी नहीं चाहते कि भेड़ों को ये बीमारी हो और इस बीमारी से बचाने के लिए भेड़ों को म्यूल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, म्यूलसिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें भेड़ों की पिछली चमड़ी को काटकर अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, भेड़ों की पूंछ के पास वाला हिस्सा हमेशा गीला रहता है, जिसकी वजह से मक्खियों को अंडा देने में ज्यादा आसानी हो जाती है। दोस्तों, कई देशों में भेड़ों की म्यूलसिंग एक साधारण सी बात है और ये प्रोसीजर लीगल रूप से बिना किसी एनेस्थेटिक के किया जाता है और इस प्रोसीजर के बाद भेड़ कई दिनों तक दर्द के मारे तड़पती रहती हैं और शॉक में चली जाती हैं। दोस्तों, यह प्रोसीजर इतना ज्यादा क्रूवल है कि इसको रोकने के लिए सन 2005 में पहली बार आवाज उठाई गई थी, लेकिन आज भी 75% ऑस्ट्रेलियन ऊन इसी प्रोसीजर से आती है। दोस्तों, म्यूलसिंग प्रोसीजर वैसे ही इतनी ज्यादा क्रूरता भरी है, लेकिन ये ब्रीडर्स इन भेड़ों पर यह क्रूरता तभी करते हैं जब ये मेमने केवल 2 हफ्ते के ही होते हैं। इतनी ज्यादा क्रूरता सहने के बाद जब भेड़ों से ऊन निकालने का समय आता है तो इनको फिर से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है।
दोस्तों, डोमेस्टिकेशन से पहले प्राकृतिक रूप से भेड़ खुद अपने ऊन को शेड करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्तों, भेड़ों के ऊन को काटने से पहले भेड़ों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है, ताकि ऊन निकालते समय ये अपने हाथ पैर कम चलाएं, और इन भेड़ों को पूरी तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, इन भेड़ों को क्रूरतापूर्वक फर्श पर पटक पटक करके इनका ऊन निकाला जाता है। ऊन निकालते समय इन भेड़ों को मारना पीटना एक आम बात है, और भेड़ों से ऊन निकालते समय लगातार इनके साथ मारपीट के कारण इनके शरीर पर कई सारी चोटें आ जाती हैं, जिससे इन मासूमों को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इनकी कोई दवा दारू नहीं की जाती और इनको सुई धागे से सील दिया जाता है। और दोस्तों, इन भेड़ों को एक बार नहीं कई बार इन क्रूरता भरी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। सोचिए इन मासूमों को कितना ज्यादा तड़प और दर्द होता होगा। और जब ऐसी क्रूरता उनके साथ हो रही होती है तो उनको एक बड़े झुंड के साथ एक छोटे स्पेस में रखा जाता है। दोस्तों, यह वैसा ही होगा जैसा अगर आपको एक मोटा स्वेटर पहना करके 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में रख दिया जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये भेड़ ऊन बनाना बंद कर देती हैं और काफी ज्यादा बूढ़ी हो जाती हैं, तब इसके बाद इनको कसाई को बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी होती है ऊन के पीछे की बर्बरता और क्रूरता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इन बेजुबानों पर ऐसी क्रूरता ना हो, इसलिए आप उनका बहिष्कार करके इनके अल्टरनेटिव को अपना सकते हैं।